हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल टेक स्ट्रीट पे। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल टेक से रिलेटेड वीडियोस डालता है रोज़ के रोज़। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो उस हिसाब से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम सीखेंगे हम कैसे अपने इंस्टाग्राम के जो कवर पेज होते हैं उनको एडिट करके एक अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम कवर पेज बना सकते हैं, ताकि उसे देख के जो हमारे फॉलोवर हों वो भी बढ़ जाएं। क्योंकि जब इंस्टाग्राम का जो कवर पेज होता है वो अट्रैक्टिव दिखता है तो आते हैं फॉलोवर्स। तो ये कैसे करते हैं आज हम अपने इस वीडियो में यही देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका नाम है स्टोरी लाइट। तो ये आपको एप्लीकेशन, स्टोरी लाइट एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो नॉर्मली आपको मैं दिखा देता हूँ सर्च करके, कि ये एप्लीकेशन आप वैसे भी सर्च कर लेंगे तो आ जाएगी। स्टोरी लाइट एप्लीकेशन का नाम है। आप जब स्टोरी लाइट डालेंगे तो सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन आ रही है यही एप्लीकेशन है, तो आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल कर रखी है मैंने, तो मैं डायरेक्टली इसे ओपन कर देता हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे इसे तो कुछ परमिशंस मांगेगा, आप उन्हें अलाउ कर दें। तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला जो पैक है, तो ये प्रीमियम पैक है, तो ये आपसे रुपए मांग रहा है, बट उसे आप इग्नोर करें। नीचे बहुत सारे हैं, तो नीचे आप आएंगे तो ये जो है मस्टर्ड, तो आपको ये ऑफलाइन मिल जाएगा। मतलब ऑफलाइन क्या, ये मतलब आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मली फ्री है वो। तो आप अपनी स्टोरी के हिसाब से, जैसे आपने फ़ोटोग्राफी या फूड खा रहे हैं या किसी का बर्थडे है, आपने स्टोरी हाईलाइट कर रखी है, तो आप उस हिसाब से अपना कवर पेज चुन लें। तो जैसे कि आपको मैं अपने एक स्टोरी पे लगा के दिखा देता हूँ। नॉर्मली मैं अभी कोई सी भी चूज़ कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना कि आप क्या कर रहे हैं, और उसके अंदर भी कस्टमाइज़ हो जाता है। आपको एक सबसे पहले इसमें तो चूज़ करना है कि आपको आइकन कौन सा अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि मुझे ये आइकन अच्छा लगा, मैंने इस पर क्लिक करा, ये डाउनलोड एसेट्स लिखा गया, अब ये डाउनलोड होगा। तो ये डाउनलोड होने के बाद ऐसा दिखता है। तो आप अपना स्टिकर ना चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। आपको जो ये लेआउट है ये बैकग्राउंड का, आप इसे सेलेक्ट कर लें कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। आपने अगर फ़ोटोग्राफी करोगे आप फ़ोटोग्राफी चुन लो, आप अगर किंग का टैग लगाना चाहते हो तो किंग का टैग लगा लें, मेरा फेवरेट है तो मैं ये लगा लेता हूँ। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा। अब आपको अपना इंस्टाग्राम नॉर्मली खोल लेना है। जैसे आप इंस्टाग्राम खोल लेंगे तो आप अपने प्रोफाइल पे आ जाएं। अब आप जिस भी कवर पेज पे लगाना चाहते हैं उस कवर पेज को लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करने के बाद एडिट हाईलाइट, एडिट हाईलाइट करने के बाद एडिट जो कवर है इस पर आपको क्लिक करना है। एडिट कवर पे क्लिक करने के बाद ये जो नॉर्मल बगल में एक नॉर्मल इमेज का आइकन है उस पर आप क्लिक कर दें, तो इससे आपकी ना गैलरी खुल जाएगी। गैलरी ओपन होने के बाद आपका जो आइकन है वो वहाँ पे सेव हो रखा होगा जो आपने अभी करा है। तो नॉर्मली उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करें, तो आपने एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, डन कर दीजिए। डन करने के बाद आपकी जो हाईलाइट है वो थोड़ी अलग दिखने लगेगी, थोड़ी अट्रैक्टिव दिखने लगेगी, जो कि बहुत अच्छा लगता है खुद को भी और देखने वालों को भी। तो जो कवर पेज है वो ऐसे एडिट करा जाता है। और आपको अगर ये चैनल हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो थी, और आप कंटेंट भी हमारा देखिए। अगर आपको पसंद आता है या कोई कमी मिल लगती है, तो अभी शुरुआत है हमारी, तो आप कमी भी हमारी कमेंट में बता देना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना कमेंट में। थैंक यू।